गेट आए थे, गेट खुला हुआ था, ऐसी कुंडी नहीं लगी थी, पता नहीं कौन मार के चला गया, हमें 3 बजे पता चला जब उठे। बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया पर मारपीट के आरोप लगने के बाद सियासी बवाल मच गया। इटावा के बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया पर आगरा में टोल प्लाजा के कर्मचारियों के साथ मारपीट का आरोप लगा था, जिसके बाद बीएसपी को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। इनकी ये पुरानी आदत है, ये इस प्रकार का इनका आचरण है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ही लोगों को ही प्रोत्साहन मिलता है। वहीं बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने भी इस मामले पर रामशंकर कठेरिया को आड़े हाथ लिया। ये इजाजत किसने दी कि वो कानून को अपने हाथ में ले ले? एक सरकारी पदाधिकारी के खिलाफ हिंसा का प्रयोग करे। मारपीट की इस घटना पर सियासी हंगामा बढ़ने लगा तो बीजेपी को भी इसकी निंदा करनी पड़ी। यदि हमें उकसाया भी गया तो क्या ये हमें नहीं पता कि हम एक सांसद हैं या हम एक विधायक हैं? बिहार के गया में बारिश की वजह से दीवार गिरने से वहां खेल रहे कई बच्चे बाल बाल बच गए। दीवार गिरने की पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। दरअसल एक खाली पड़े जमीन की चार दीवारी बारिश की वजह से ढह गई। उस वक्त दीवार के दोनों तरफ कई बच्चे खेल रहे थे। गनीमत ये रही है कि हादसे से पहले ही बच्चे वहां से निकल गए। वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक की वजह से एक महिला को उसका गुमशुदा पति वापस मिल गया। जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु के विलुपुरम में रहने वाली एक महिला का पति 3 साल पहले गायब हो गया, जिसके बाद महिला ने पुलिस में उसके लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन तब उसे नहीं ढूंढा जा सका। वहीं कुछ दिन पहले महिला के एक रिश्तेदार ने उसके पति को टिकटॉक ऐप पर मौजूद एक वीडियो में देखा, जिसके बाद उसने महिला को भी वीडियो दिखाया। वीडियो में पति को पहचानने के बाद महिला ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने वीडियो में आदमी के साथ दिख रहे एक ट्रांसजेंडर के जरिए उसका पता लगाया और वहां से 200 किलोमीटर दूर होसूर में महिला के पति तक पहुंच गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी में पहाड़ खिसकने से हाईवे बंद करना पड़ा। नेशनल हाईवे नंबर 3 पर इस घटना के बाद प्रशासन ने रास्ते को साफ किया और वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई। तो पहाड़ खिसकने की वजह से हाईवे को बंद किया गया और उसके बाद हाईवे को साफ करवाया गया, तब कहीं जाकर जो आवाजाही थी वो सुचारू हो सकी। गुजरात के वापी में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। तो गुजरात के वापी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। गुजरात में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वापी में किस तरीके से बाढ़ का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नदी नाले उफान पर हैं और इस सबके बीच ये तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से बाढ़ का कहर लगातार खतरा बनकर मंडरा रहा है। गुजरात के वापी में कल दोपहर से बारिश ना होने के चलते लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन नदियां जो है वो पूरे उफान पर हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मैं इस वक्त वापी की एक बड़ी नदी दमण गंगा नदी के ठीक सामने खड़ा हूँ। आपको ये नज़ारा देख के समझ आ रहा होगा कि जो नदी इतने खतरनाक तरीके से बह रही है, खूबसूरत नज़ारा जरूर है लेकिन साथ ही साथ खतरनाक है। जो बांध है वो बनाया गया था रोकने के लिए, जो पानी का लिमिट होता है उसको तोड़कर जो है पानी ऊपर से देखें कितने खतरनाक तरीके से बह रहा है, और पानी बहने के साथ साथ जो नीचे पानी उतर रहा है वो पूरे इलाके को कवर करने में लग गया। आप देखिए इस तरह का जो खतरनाक नज़ारा है, मैं बिल्कुल सीख किनारे खड़ा हूँ और किनारे में देखिए ये जब मैं आया था तो यहाँ पर खाली था, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से पानी की स्पीड बढ़ी है उसके चलते जो है ये पानी जो है फिर से भरने लगा है चारों इलाकों में, क्योंकि जब लिमिट से बाहर आ रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि मधुबन डैम से जो पानी छूटा गया, ओवरफ्लो जो हुआ है उसके चलते वो पानी जो है दमन गंगा नदी में आया है, और दमन गंगा नदी में जो है यहाँ पर आप देखिए पूरा जो इलाका है पूरा पानी से फिर से भरने लगा है। ये पूरा इलाका खाली था लेकिन देखिए किस तरह की स्पीड से पानी भर रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए थोड़ी ही देर में ये पूरा इलाका फिर से जलमग्न हो जाएगा और काफ़ी पानी जो है वो तेज बहाव के साथ बढ़ रहा है, और फिर इसका मतलब ये है कि आने वाले जो सामने इसके गांव हैं जो आगे बढ़ेगा ये पानी, उन गांव में फिर से पानी भरने का खतरा मंडराने लगा है। बारिश भले नहीं हो रही है लेकिन खतरा अभी तक टला नहीं है, क्योंकि देखिए नदी का जो आप बहाव देख रहे हैं ये बहाव जो है
कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजा रहा है गुजरात और गुजरात वापी के लोगों के लिए, वलसाड के लोगों के लिए। आप देखिए इतने खतरनाक तरीके से बह रही है, बांध को तोड़कर जो है वो नदी बह रही है और यही नदी यही पानी जो है धीरे धीरे पूरे ये जो एरिया है उसको कवर करने लगा है और कवर करने के बाद आगे बढ़ेगा तो गाँव को में घुसेगा और गाँव में फिर से वही स्थिति पैदा होने का खतरा है। अब ऐसे में फिलहाल राहत तो यही है, लेकिन मौसम विभाग का जो अनुमान है कि आने वाले 48 घंटों में वापी और वलसाड के साथ साथ तमाम जो गुजरात के इलाके हैं, दक्षिणी इलाके हैं, वहां पर तेज़ बारिश होगी। और तेज़ बारिश होने का मतलब ये है कि जिस तरह की स्थिति इस वक्त यहां पर है उसे देखकर यही समझा जा सकता है।